इस साल मॉनसून राहत देने वाला रहेगा। मौसम विभाग ने मॉनसून का पहला अनुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य जो मॉनसून रहेगा, यानी कि सूखे की कोई आशंका नहीं है और पानी की कमी भी नहीं होगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जून से सितंबर के दौरान औसतन 97% बरसात होने का अनुमान है। इसमें 5% ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। मौसम विभाग ने दी खुशखबरी। सामान्य रहेगा मॉनसून, नहीं पड़ेगा सूखा, 97% बारिश के अनुमान। आखिरकार मौसम विभाग ने अच्छी खबर दे दी है। अच्छी होगी बारिश, ना पड़ेगा सूखा, ना होगी पानी की कमी। भारतीय मौसम विभाग ने अपना पहला आधिकारिक अनुमान जारी कर दिया है। We feel that India is going to experience third successive normal monsoon with an quantitative figure of 97% plus minus 5. That's what is our assessment at the moment. We will be coming out with our assessment of next update in June. And around 15th May, we will be coming out with the assessment of onset of monsoon over the Kerala coast. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मॉनसून सामान्य रहेगा, यानी किसानों और खेती से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी है। बारिश सामान्य रहेगी तो खेती के लिए पानी मिलेगा, फसलों की पैदावार अच्छी होगी। ये लगातार तीसरा साल है जब सामान्य मॉनसून रहने का अनुमान दिया गया है। इंडिया जो है पिछले दो साल जो है अच्छा बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज वेरी गुड, सो गुड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दैट वे इट इज अ थर्ड नॉर्मल रेनफॉल इंडिया इज गोइंग टू एक्सपीरियंस। मौसम विभाग के ये अनुमान तब आए हैं जब इस बात की रिपोर्ट सामने आई कि देश के 153 जिले पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार सर्दियों में बारिश बहुत कम हुई। अक्टूबर 2017 से अब तक बेहद कम बारिश हुई है, जिससे देश के बड़े जल स्रोतों में पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है और गर्मी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक ये डर बेबुनियादी है कि इस साल सूखा पड़ सकता है। Of deficit monsoon to be experienced by India during monsoon season of 2018. मौसम विभाग ने पिछले साल मॉनसून को लेकर जो अनुमान जारी किया था, लगभग वैसी ही बरसात दर्ज की गई थी। पिछले साल मॉनसून सीजन के दौरान देश में औसतन 95% बरसात दर्ज की गई थी। इस बार 97% बरसात होने का अनुमान है। यानी टेंशन ना लें, क्योंकि बारिश में कमी की आशंका नहीं के बराबर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आईएमडी और साथ ही साथ स्काईमेट दोनों ने कह दिया है कि इस बार सामान्य बारिश होगी। तीन खास मेहमान मेरे साथ हैं। सिराज हुसैन साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। साथ ही साथ मेरे साथ जीपी शर्मा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट के स्काईमेट के। और स्टूडियो में मेरे साथ जीपी शर्मा साहब हैं और केजी रमेश जो हैं डीजी हैं आईएमडी के, वो हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिस्टर रमेश, आपके पास ही आऊंगी सर, क्योंकि आज ही आईएमडी ने कहा है कि 97% बारिश का जो अनुमान यहां पर लगाया है, इसे सामान्य बारिश कहा जा रहा है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर आम बोलचाल की भाषा में जो सामान्य बारिश है, उसका मतलब कोई क्या समझे? सामान्य बारिश का मतलब है 96% से 104% के बीच का बारिश चार महीने में होने का संभावना है कंट्री एज ए होल। और सर फिर जो बाकी पूरे साल बारिश होती है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यानी कि ये जो अनुमान आया है ये सिर्फ अभी 2 से 3 महीने, 4 महीने का अनुमान है मॉनसून सीजन का? 4 महीने का, जून से लेकर सितंबर तक 4 महीने में पूरे देश में किस तरह की संभावना अप्रैल में दे रहे, जून से सितंबर तक कैसे होगा वो हम अप्रैल में दे रहे।
वो 4 महीने की, बिकॉज खरीफ सीजन रेनफॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्वायर इनफ्लोस के लिए और इरिगेशन सपोर्ट के लिए, एंड रेन फेड एग्रीकल्चर, वर्षाधारित जो एग्रीकल्चर होती है उधर बारिश के निर्भर है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, सीरियल्स है, उसी हिसाब से ये सीजनल फोरकास्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है सर। जीपी शर्मा सर, स्काईमेट ने और आईएमडी ने दोनों ने कहा कि ये जो अनुमान है ये करीब करीब 96-97% जो बारिश है वो होगी। यहाँ पर सर ने बताया हमें, मिस्टर रमेश ने, कि कैसे जो सामान्य बारिश है उसे कैलकुलेट उन्होंने बताया 96% to 104% जो है 104% ये सामान्य बारिश है सर। लेकिन आम आदमी के लिए अगर इसे समझा जाए तो इस सामान्य बारिश का मतलब क्या है? क्या सामान्य बारिश का मतलब है कि गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, फसल अच्छी होगी, कि पानी के जो जलाशय हैं जो बहुत सारे पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी कि सूख गए हैं जलाशय, क्या इनमें इतना पानी भर जाएगा कि पूरा साल जो है वो पानी की परेशानी नहीं होगी? क्या ये सामान्य बारिश है? देखिए, जैसे अभी बताया कि पिछले साल भी मानसून में 95% वर्षा हुई, उससे पिछले साल 97% थी, तो 95 और 97% बारिश के चलते भी रिजर्वायर की स्थिति अच्छी रही। देश के 91 रिजर्वायर हैं जिन पर नज़र रखी जाती है, और मेरे ख्याल में काफ़ी सारों में मानसून की वर्षा के कारण उसकी स्थिति अच्छी रही। हालांकि अभी जो है इस वक्त काफ़ी सारे जलाशयों में सामान्य से थोड़ा कम है, पिछले 10 साल की एवरेज लें तो उससे रिजर्वायर लेवल थोड़े कम हैं। वो इसलिए कि मानसून की वर्षा के बाद जितने भी सीजन 3 हुए हैं, चाहे वो पोस्ट मानसून था, चाहे वो विंटर रेन्स थी जनवरी फरवरी में और उसके बाद से मार्च में भी, तो पिछले लगभग जो 6 महीने हुए हैं उसमें कोई अच्छी बरसात हमारे किसी भी देश के हिस्से में नहीं हुई है, और पानी के कंजम्पशन तो है, तो इसी कारण से ही जो वाटर रिजर्वायर हैं उनके लेवल काफ़ी कम हो गए हैं। पर मानसून के आने में हालांकि अभी वक्त है, क्योंकि जून के पहले दिन या पहले सप्ताह या उसके 4-5 दिन के अंदर अंदर ही मानसून आ जाता है, तो मानसून के आने तक हमें इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो महीने हैं, अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, हालांकि बरसात प्री मानसून शावर ज़रूर होते हैं पर वो शायद इतने सफिशेंट नहीं होते कि वो रिजर्वॉयर लेवल को कोई इस स्तर पर ले जाएं जिसमें कि चिंता की स्थिति ना रहे। तो हमें मानसून का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के दिन में कुछ रिजर्वॉयर का लेवल पिछले साल के अनुमान से या उसके अंदाज से अभी कम भी है और कईयों में उसके लगभग बराबर है, तो ऐसी कोई विशेष चिंताजनक स्थिति नहीं। बट देन क्योंकि अभी मानसून के आने में वक्त है इसलिए हमें उस पर नज़र ज़रूर रखनी पड़ेगी, और शायद पानी की किल्लत तो हमें देखने को मिलेगी अगले जो 1.5 महीना की सर, बात है। जी ठीक है। सिराज हुसैन साहब, जब शो की शुरुआत की थी, जब आईएमडी और स्काईमेट ने अपने नंबर्स बताए थे कि कैसे सामान्य मॉनसून हो सकती है, तो आपको देखकर मेरे मन में सबसे पहला ये सवाल आया कि क्या इस बार किसान को राहत की सांस ले लेनी चाहिए, किसी तरह का कोई सूखा नहीं पड़ेगा? ये अनुमान तो आईएमडी और स्काईमेट ने जता दिया है, लेकिन क्या खेती के लिए इस बार का साल अच्छा रहेगा सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं कि पिछले 50 साल के एवरेज की बुनियाद पर आईएमडी ये देखता है कि किस क्षेत्र में कितनी बारिश होती रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप बंगाल या आसाम लें तो वहाँ पर 1300, 1400, 1500 मिलीमीटर तक बारिश होती है, जबकि पंजाब में 650-700 मिलीमीटर बारिश होती है। तो यानी कि अगर पंजाब में 700 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो हम उसको नॉर्मल बारिश कहेंगे, और आसाम में अगर 1300 होती है तकरीबन, मैं एक रफ़ फिगर बता रहा हूँ, तो उसको हम नॉर्मल कहेंगे। जहाँ तक किसान का सवाल है, तो अगर बारिश नॉर्मल होती है, नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल बारिश नॉर्मल हो जाए 700 मिलीमीटर, बल्कि हर महीने में जितना नॉर्मलसी का एवरेज है पिछले 50 साल का, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, वो उतनी आएगी, तब हम उसको नॉर्मल मानसून कहेंगे। तो अगर मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है तो ये बहुत अच्छी खुशी की खबर है, और हमारे किसान भाइयों के लिए ये एक वरदान है कि समय पर बारिश हो, और हम ये आशा करें कि न सिर्फ सिंचित इलाकों में बल्कि जो असिंचित इलाके हैं देश के, जहाँ पर रिजर्वॉयर नहीं है, जहाँ पर कैनाल नहीं है,
जहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है वहाँ पर भी किसान बारिश पर निर्भर करते हैं, बारिश पर मुनासिर हैं, तो उनकी फसल अच्छी हो ऐसी हम उम्मीद करें, तो ये किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है। सर, आईएमडी तो करीब करीब 15 मई के करीब ये बात बताएगा कि रीजन वाइज कितनी बारिश होगी यहाँ पर, लेकिन स्काईमेट जो है, शर्मा सर आप अगर हमें बता सके, क्योंकि कल आप लोग रीजन वाइज बताने वाले हैं कि कितनी बारिश होगी, जो बात सिराज सर ने यहाँ पर कही कि यू नो डाउन साउथ उत्तर भारत की बात करें दक्षिण भारत की बात करें, अगर रीजन वाइज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ या समझना चाहूँ तो कैसे इस बार बारिश को देख सकते हैं सर, कि क्या अनुमान के मुताबिक जो बारिश होगी, मान लीजिए उत्तर भारत में जहां पर गेहूं की खेती होती है, हरियाणा हिमाचल उत्तर प्रदेश राजस्थान इस इलाके में, क्या ऐसी बारिश का अनुमान जताया जा सकता है जो किसानों के लिए राहत की खबर लेकर आए? देखिए, स्काईमेट ने जो अनुमान दिया है मानसून का, उसमें हमने जो मानसून के 4 महीने हैं उसमें कुल मिला के जो अलग अलग क्षेत्रों में कितनी वर्षा होगी उसका पूर्वानुमान ज़रूर दिया है, लेकिन उसकी जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि 4 हिस्सों में कंट्री को बांट के उसमें अनुमान जताया जाता है, वो बहुत जल्द ही हम उसके बारे में भी अनुमान अपना जारी करेंगे। मैं इसको ये बताऊँ आपको, आप सब कह रहे थे मानसून की डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जो एनुअल रेनफॉल, जैसे मैं आपको बताऊं कि भारत में करीब करीब 1200 मिलीमीटर होता है एनुअल, उसमें से 900 मिलीमीटर के करीब, टू बी प्रिसाइज 887 मिलीमीटर जो वर्षा है वो मानसून की वर्षा मानी जाती है, बाकी तीन सीजन का भी कुल मिला के जो 300 के आसपास मिलीमीटर की वर्षा होती है, तो इसलिए मानसून का सीजन उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसमें भी जो मानसून की वर्षा है, जैसे सिराज हुसैन सर ने बताया अभी, जो उत्तर भारत का शेयर है केवल 16% है मानसून की वर्षा में, 887 मिलीमीटर में 16%, दक्षिण भारत का 19%, देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भागों का बहुत बड़ा प्रतिशत उसमें है जो कि 38% है, और देश के मध्यवर्ती भागों का जो उसमें शेयर है वो लगभग 26% है। इसलिए जो क्षेत्र जिनमें वर्षा कम होती है, जैसे अगर उत्तर भारत में टोटल शेयर जो है 16% है, तो बात यह भी है कि उत्तर भारत में मानसून करीब सिर्फ 2 महीने के लिए रहता है, जून एंड में करीब आता है और जुलाई अगस्त खत्म होने के बाद वो विड्रॉवल भी शुरू हो जाता है, तो इसलिए उसमें मानसून कम समय के रहने के कारण भी वर्षा कम है, जबकि देश के मध्यवर्ती भागों में और देश के पूर्वी भागों में मानसून शुरू में ही आ जाता है जून के पहले सप्ताह में पूर्वी भागों में, और उसके बाद करीब करीब मिड सितंबर या उसके बाद से विड्रॉ होता है, यही कारण है कि उनमें वर्षा भी ज़्यादा होती है, हालांकि जो मध्यवर्ती भाग हैं यस उनमें जो है ठीक है सर जी जी मानसून की वर्षा हमें अच्छी लग रही है इस साल में, और देश के जो उत्तरी भाग हैं उसमें भी हमें मानसून की स्थिति करीब करीब अभी तो सामान्य लग रही है अधिकांश भागों में। ठीक है रमेश जी, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि 153 जिले जो सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं इस बार उन्हें राहत मिल जाएगी और सूखा पड़ने का कोई चांस नहीं है? देखिए, सूखा पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो मानसून की वर्षा के ऊपर निर्भर है, विंटर रेन्स पे निर्भर नहीं होता है। अगर पिछले मानसून में जहाँ जहाँ 15-20% की जो ज़िले हैं हर मानसून में कम सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड होती है, अगर वो ज़िलों में भरपाई होगी अगले मानसून में, अगले मानसून तक भरपाई रहेगी। अभी जो आज आया है इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ हम लोगों का विंटर का मॉनिटरिंग, रेनफॉल मॉनिटरिंग नॉर्मल से बहुत कम रहा है, इतना डिस्ट्रिक्ट्स में कम रहा है आया है, बट उस डिस्ट्रिक्ट्स में मानसून में कितना आया उसको लिंक करना है। मानसून में हो सकता अगर सही बारिश नहीं हुआ तो 91 रिजर्वायर्स में जहां इनफ्लोस मॉनिटरिंग करते हैं अब वो नॉर्मल रहा नहीं रहा, अब खरीफ का पूरा रिक्वायरमेंट मीट किया गया, रबी का पूरा रिक्वायरमेंट मीट किया गया, उसके बाद
रेमरेंट वाटर स्टोरेज है रिजर्वायर्स में वो है। कभी भी रिजर्वायर्स का इनफ्लोस निर्भर करता है, स्टोरेज निर्भर करता है फुल कैपेसिटी का, फुल रिजर्वायर लेवल्स कहते हैं, FRL कहते हैं, वो मानसून सीजन्स के दौरान ही आता है। बाद में इट इज़ इंक्रीमेंटल एडिशन, नई नई भी होता है, उससे कोई नहीं है। बाकी जो सूखा नहीं है, अबो नॉर्मल है, बिरो नॉर्मल है, मानसून रेनफॉल ही डिसाइड करता है। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर हमें पता चला कि आपको जाना है अभी और इसलिए बस इतनी ही देर तक आप हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमसे पूरी बातचीत की यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर। सिराज सर एक बात बताइए, पिछले 2 सालों से जो ये नॉर्मल मानसून कहा जा रहा है, सामान्य मानसून का अनुमान और बारिश भी कुछ उसी तरह से हुई, लेकिन उससे पहले के जो कुछ साल अगर देखे तो मानसून उतना अच्छा नहीं रहा था, तो क्या जो आप रीजन वाइज समझने की बात कह रहे थे कि कैसे उत्तर भारत में अगर मॉनसून नॉर्मल रहता है तो वो कितना परसेंटेज कहलाता है, ओवरऑल अगर मैं समझना चाहूं सर पूरे देश में, तो आप इस बार मैं वही सवाल रिपीट कर रही हूं, तो कि खेती आप किस तरह से देखते हैं फिर? नहीं देखिए, अगर मॉनसून का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहता है तो जो हमारे देश के सिंचित इलाके हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, पश्चिमी महाराष्ट्र के वगैरह, जो सिंचित इलाके हैं वहाँ पर भी डीजल पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। तो मानसून का फ़ायदा न सिर्फ उन किसानों को होता है जो कि रेन फेड हैं, बल्कि उनको भी होता है जिनके पास सिंचाई के साधन हैं, क्योंकि उनका खर्चा फिर डीजल वगैरह पर कम हो जाता है। और ख़ास तौर से अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान के कुछ इलाकों में भी हम देखें तो मानसून बहुत नॉर्मल से कम रहा है, यानी कि पूरे देश का मानसून नॉर्मल है लेकिन इन इलाकों के मानसून में जो बारिश का एवरेज है उससे बहुत कम बारिश हुई है। तो ख़ास तौर से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो फिगर है कि नॉर्मल मानसून देश का है, इससे हमें ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि देश के हर इलाके में नॉर्मल मानसून होगा। बिल्कुल सर, जैसा कि हमने पिछले कई सालों में देखा कि ओवरऑल मानसून ठीक होता है, लेकिन कुछ इलाकों में रीजन वाइज थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। सर एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, अब जब नॉर्मल मानसून की बात हो रही है, खैर IMD और स्काईमेट खुद ये मानता है कि अब तो जब मानसून आएगा, बरसात आएगी, तभी पता चलेगा क्या है रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, भी स्काईमेट कल दे देगा लेकिन IMD उसमें अभी भी 1 महीने का वक्त लगाएगा। अब ऐसे में क्या वाटर हार्वेस्ट पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सर जब बारिश होती है तो एक तरफ कोल्ड स्टोरेज हाउसेस की भी हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारा अनाज जो है वो बारिश पे पड़ा भी खराब हो जाता है, तो अब सही समय है जब इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? नहीं देखिए, सबसे पहले तो आप अपने दर्शकों को यह बताएं कि यह गलतफहमी है कि अनाज खराब हो जाता है। जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 0.5% से भी कम डैमेज हुआ है, और अब FCI और स्टेट राज्य सरकारों की एजेंसियों के पास मिला के 700 लाख टन अनाज रखने की जगह है। तो देश में गेहूं और चावल रखने की जगह पर्याप्त है, इसमें कोई हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अब जहां तक ये सवाल है कि वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाए, तो ये बहुत अहम सवाल है और भारत सरकार ने और हमारी मौजूदा सरकार ने इसकी तरफ बहुत ध्यान दिया था। जो हमारा मनरेगा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत भी 10 लाख वाटर बॉडीज बनाने का भारत सरकार ने लक्ष्य दिया था, और मैंने खुद भी झारखंड में देखा है और हमारी टीमों ने भी देखा है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से हम इस साल सेंट्रल रिव्यू मिशन लेके गए थे, मैं उसका अध्यक्ष था, तो हमने देखा है कि राज्यों में बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है। लेकिन देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग भी तभी कामयाब होगी जब बारिश होगी, अगर बारिश ही कम होती है तो फिर वाटर हार्वेस्टिंग भी कामयाब नहीं हो सकती। तो हम उम्मीद करें कि अच्छी बारिश होगी और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अगर अच्छे बने हैं तो उसका फायदा होगा। सर बहुत बार कहा जाता है कि जो बारिश का अनुमान है वो पहले लगा लिया जाता है लेकिन कई बार एरर हो जाते हैं। शर्मा सर एक बात बताइए, एरर के चांसेस कितने हैं? देखिए आपने फोरकास्ट में देखा होगा कि फर्स्ट फोरकास्ट जो है उसमें प्लस माइनस 5% का एरर जो होता है,
आप ऐसा समझें कि क्योंकि जितने भी फोरकास्ट हैं वो उसमें न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स की ज़रूर हेल्प ली जाती है, हालांकि बाकी स्टडीज़ भी, बाकी चीज़ों के क्षेत्रों की स्टडी भी इसमें उसका अनुमान लगाया जाता है। हर मॉडल की अपनी अपनी लिमिटेशन ज़रूर होती है, इसलिए प्लस माइनस 5% का जो मॉडल एरर है फर्स्ट फोरकास्ट में वो आप लेके चलेंगे और इसी के आधार पर ही जितना भी फोरकास्ट दिया जाता है। जैसे अगर स्काईमेट ने 100% अगर बोला है तो इसका मतलब यह है कि प्लस माइनस 5 का एरर लगा के 95% और 105% के बीच हम वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं पूरे मानसून के सीजन में। और ऐसा ही अगर आप किसी मंथली बेसिस पे जाएं या क्षेत्रीय बेसिस पे जाएं कि नॉर्थ रीजन वाइज जाएंगे तो उसमें मॉडल एरर और थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे आप अगर मंथली डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे कि एक मंथ में कितनी बारिश होगी तो यही एरर बढ़कर इसमें इसकी गुंजाइश प्लस माइनस 9% के करीब है। सर मैं वही मंथली डिस्ट्रीब्यूशन भी समझना चाह रही थी। 1 जून को केरल में दस्तक देगा मॉनसून, क्योंकि ये 4 महीने का प्रिडिक्शन है जो IMD और स्काईमेट ने किया है। अगर मैं मंथ वाइज समझना चाहूँ तो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है? देखिए एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमने ऑनसेट ऑफ मानसून के बारे में जरूर बात की है। मानसून ऑनसेट की डेट से मानसून परफॉर्मेंस का कोई भी लिंकेज नहीं होता है। ऐसा हुआ है कई बार मानसून जल्दी भी आ जाता है तो भी मानसून की परफॉर्मेंस हो सकता है नॉर्मल रहे और नॉर्मल से कम भी रहे, और इसी तरह कई बार थोड़ा सा लेट में आता है तो उससे भी उसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और वैसे भी मानसून की अगर आप पिछले कई सालों के आंकड़े देखें तो प्लस माइनस 5 दिन लेके चलें तो उसके अंदर अंदर मानसून ऑनसेट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 26-27 मई से लेके 4-5 जून के अंदर अंदर मानसून की ऑनसेट हो जाता है, ऐसा लगभग 90-95% केस में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपने बोला कि मंथली जैसे जो है उसका मानसून पे क्या है, क्या असर पड़ेगा, क्या कैसा है। जून के महीने में और सितंबर के महीने में वर्षा कम होती है। जो कोर मानसून मंथ हैं वो जुलाई और अगस्त हैं। जुलाई में लगभग 290 मिलीमीटर वर्षा जुलाई में नॉर्मल होती है, इसी तरह 260 मिलीमीटर के करीब अगस्त में होती है। जो जून का महीना है उसमें केवल लगभग 160 मिलीमीटर वर्षा अनुमानित होती है, और इसी तरह जो जो सितंबर का महीना होता है उसमें भी लगभग 180 या 190 मिलीमीटर के करीब वर्षा अनुमानित होती है। जुलाई और अगस्त दो महीने मिला के लगभग 65-70% वर्षा इन दो महीनों में ही एक्सपेक्ट की जा सकती है, इसलिए इन दो महीनों की वर्षा ज्यादा महत्व रखती है। ठीक है सिराज हुसैन साहब, क्या हम ये मान लें कि इस बार महंगाई में कुछ कमी देखने को मिलेगी क्योंकि मॉनसून अच्छा है, खेती अच्छी होगी, तो क्या ये उम्मीद कर लें सर कि महंगाई की ज्यादा मार नहीं पड़ेगी आम आदमी पर? देखिए मैडम, ये तो आपको भी मालूम है कि इस वक्त महंगाई नहीं है, खाद्य जो खाने पीने का सामान है उसके दाम बहुत गिरे हुए हैं, किसान परेशान है पूरे देश में। रोज खबरें आ रही हैं कि टमाटर किसान मंडी में लाके छोड़ के जा रहे हैं, कोई खरीदार नहीं है। अभी पिछले दिनों तक तो प्याज तो ऑलरेडी पिछले दिनों तक तो प्याज भी 100 रुपए किलो था, और अब कुछ महीने पहले की बात करूं सिराज सर तो टमाटर तब हम आपसे बात भी कर रहे थे तब भी 80 रुपए किलो 100 रुपए किलो तक पहुंच रहा था। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या मैं ये मान लूं कि अब महंगाई जो है फिर चाहे टमाटर हो या प्याज हो दाम थोड़े कम होंगे। और एक और चीज सर कि पिछले दिनों जब मैं मंडी गई थी सब्जी लेने के लिए तो कोई भी सब्जी मुझे यहाँ पर 60 रुपए किलो या 70 रुपए किलो से कम नहीं मिल रही थी, तो वो तो आम आदमी की पहुंच से दूर है ना सर, उसे तो महंगा ही कहेंगे। नहीं मैडम, जितना फूड इन्फ्लेशन का प्रेडिक्शन तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक ने घटा दिया है। देखिए असल में मसला ये है कि दिल्ली में जो सप्लाई चेन है हमारी मंडी से लेके रिटेलर तक वो बड़ी ख़राब है, दिल्ली की खास तौर से ये समस्या है। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में देखें, मैं इस वक्त लखनऊ से बोल रहा हूँ, यहाँ ज़्यादातर सब्जियाँ 20 रुपये किलो से कम में बिक रही हैं। तो समस्या इस समय महंगाई की नहीं है, समस्या इस वक्त ये है कि कैसे किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, वो ज़्यादा बड़ी समस्या सरकार के सामने है और उससे सरकार जूझ रही है। अगर मानसून नॉर्मल होता है और किसानों का उत्पादन अच्छा होता है जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं, तो
हमें ये भी साथ साथ दुआ करनी चाहिए कि किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिल सके। बिल्कुल अगर वो नहीं मिलता है सर, तो वाजिब दाम मुश्किल से गुजर रहे हैं। सर वाजिब दाम तो मिलना चाहिए, आप लखनऊ में इसलिए आपको सब्जी वहां पर सस्ती मिल रही है, हम दिल्ली में हैं इसलिए थोड़ी महंगी मिल रही है शायद। खैर एक और बात बताइए शर्मा सर, कि जब भी बरसात की बात होती है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नाम सुनते हैं, अलनीनो सुनते हैं, क्या इनका अफेक्ट या इनका असर इस बार मानसून पर पड़ सकता है? ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स होते हैं, ख़ासकर जो एलनीनो की आपने ज़िक्र किया, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है मानसून में। हालांकि अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो शायद हम इसको कंसिडर नहीं किया करते थे, पर पिछले एक डिकेड से, एक दशक से कम हमने इसमें ज़रूर दिलचस्पी हुई है, और इसका बहुत बहुत प्रभावकारी होता है इसका कंट्रीब्यूशन। और जैसे कि अभी भी शायद मालूम होगा कि अभी लानीना कंडीशन की, जो कि एलनीनो की प्रतिकूल होता है, वो कंडीशंस अभी चल रही हैं। और जो लानीना और एलनीनो, ये पैसिफिक ओशन जो है प्रशांत महासागर, उसमें टेम्परेचर क्या रहता है उसके हिसाब से इसका अनुमान लगाया जाता है। और अभी लानीना कंडीशन चल रही हैं जो कि अभी न्यूट्रल की तरफ हो जाएंगी जब तक मानसून का ऑनसेट होगा मई एंड या जून के शुरू में, और उसके चलते इसलिए ऐसा कोई इसका कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा शुरुआत जो मानसून के दो महीने हैं। हालांकि उसके बाद से ऐसा अनुमान जरूर है कि प्रशांत सागर एक बार फिर से गर्म होना शुरू होगा, पर तब तक हमारा मानसून का सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद से ही ज्यादातर बढ़ोतरी जो है तब देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिराज सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना समय निकाला, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में भी समझाया, और लखनऊ में भले ही आपको सस्ती सब्जियां मिले लेकिन उम्मीद कीजिए कि बरसात के बाद जब खेती अच्छी होगी तो किसान को भी वाजिब दाम मिले और आपको भी सब्जियां सस्ती मिले।